लेके जा रही है <laughs> हेलो एवरीवन मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के साथ में तो जैसे कि लास्ट लास्ट वाला वीडियो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वड़ी बनाई है तो बस आज वही बच्चों को देने वाली हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आई तो पीहू के लिए मैंने मेथी और पालक की सब्ज़ी बनाई है साथ में सादी रोटी बना दी है बनाई है और उसे तूप मतलब घी लगा के रख दिया है और ये जो वड़ी थी ना इसे मैंने तवे पे ही फ्राई कर लिया है अच्छे से तेल डाल के मतलब सेक लिया है इसे अच्छी सी क्रंची सी हो गई थी धीमी धीमी आँच में ये और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कल जब मैंने बनाई थी तो उन्होंने तो बच्चों ने मतलब ऐसे ही खा ली थी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो बस यहाँ पे पीहू का जो है लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ तो यहाँ पे सब्ज़ी रख दी है रोटी रख दी है मुझे पता है पूरी रोटी फिनिश नहीं करने वाली है लेकिन वो सुबह सात बजे से जाती है ना तो शाम को चार बजे आती है तो ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा खाना दे दूँ भले ही खाए नहीं खाए थोड़ा वापस टाले लेकिन अगर भूख रहती है तो वो खा लेगी और यहाँ पर मैंने अनाया के लिए ना नमकीन वाला पराठा बना दिया है जिसमें मैंने मिर्च पाउडर वगैरह हल्दी नमक और साथ ही थोड़ा सा आम का जो अचार होता है ना उसका मसाला मैं उसके अंदर लगा देती हूँ तो क्या होता है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे बस पीहू के लिए दो उसके जो लंच बॉक्स हमेशा की तरह होते हैं वो मैं पैक कर रही हूँ और मेरा हाथ इतनी बुरी तरह से जला हुआ है ना ये कढ़ाई से अब तो बहुत ही बुरा दिखने रखा है रेड रेड मतलब बहुत ही बुरा दिखने लग गया है और ये हमेशा मुझे बोल तुम किस तरह से काम करती हो हमेशा अपना हाथ जलाती हो और मेरा हाथ अक्सर चलते रहता ही है मतलब जलना ही है एक निशान बैठेगा तो दूसरा आना ही है ऐसा है तो बस यहाँ पे पीहू का जो है लंच बॉक्स मतलब बैग में पैक कर दिया है अब बस थोड़ी देर में उसकी बस आ जाएगी वो चली जाएगी तो सुबह सात बजे पीहू चली जाती है और फिर उसके बाद वही मेरा सबसे भारी वाला टास्क आता है अनाया की तैयारी करना अनाया को उठाना फोन भी लेके जा रही है <laughs> ऐसे ही चली गई थी ना तो सबसे पहले मैंने अनार के दाने निकाल के रखे क्योंकि अनाया को अनार के दाने अभी जब से अनार आए हैं तब तो मतलब उसको अनाया अनाया को चाहिए ये अनार के दाने तो बस वो निकाल के रख दिए थे और और वही नमकीन वाला पराठा और साथ में थोड़ी सी बड़ी रख दिए क्योंकि उसका टेस्ट अनाया को भी बहुत पसंद आया था अब बस जैसे ही बच्चे चले गए मतलब बनाया भी स्कूल चली गई है आठ बजे तो उसके बाद मैंने मेरी चाय रख दी और चाय जो है मेरी बन गई तो मैं आ गई हूँ उसे ले कर अपने पोर्च में प्यारे प्यारे प्लांट्स के पास में और आज सूखा हुआ था बिल्कुल थोड़ा ही पानी था बाहर पोर्च में नहीं तो क्या बारिश की वजह से ना काफ़ी पानी होता तो मैं बाहर नहीं बैठ पाती हूँ फिर तो बस ये है मेरा टाइम अपने लिए पंद्रह बीस मिनट का जो मैं यहाँ पे बैठूंगी या कभी पाँच दस मिनट भी मतलब मूड के ऊपर है कि कितनी देर बैठना है जा भी नीचे कुकिंग करने के लिए और जो है आज का मौसम मतलब ना सुबह से बारिश बारिश ही और बिल्कुल बादल है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज बहुत ज़्यादा मतलब धीमी धीमी चालू हुई है सब बंद नहीं हुई है लेकिन सुबह से आज जो है ना बारिश चल रही है और भी जा रही है नीचे किचन में खाना बनाने के लिए अनाया नहीं होता वो मैं धुल दे रही हूँ चला जाएगा क्या हुआ हा क्या हुआ उसको तो ऊपर करना पड़ता है नीचे है वो हम्म <laughs> तो यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे के किचन में खाना बनाने के लिए और बस यहाँ पे आई ने जो है ना तैयारी करके रख दी थी मेथी भाजी बनानी थी आज तो आई ने भाजी वगैरह धुल के रख दी थी और इस मौसम में मिल जाए अच्छी वाली मेथी वगैरह तो बहुत बड़ी बात है मतलब तो बस यहाँ पे मेथी भाजी धुल ली आई ने प्याज भी काट के रख दिए थे तो बस सारा कुछ ला के दे रही थी आई तो हाँ फिर इसके बाद मैंने सबसे पहले जो है ना हमेशा जो करती हूँ खाना बनाते टाइम मेरा मेरी एक आदत है सबसे पहले मैं दाल चावल का कुकर लगाती हूँ उसके बाद सब्जी बनाती हूँ फिर बाद में रोटी बनाती हूँ ताकि जैसे ही दाल चावल का कुकर मैं रख दूँ तो सब्ज़ी जो है मेरी दो गैस में हो जाती है और जब तक दाल चावल का कुकर की गैस जो खाली होती है उसमें मैं रोटी डाल देती हूँ ऐसा है क्योंकि मेरे घर में दो सब्जियाँ बनती है इसीलिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टोर रूम में दाल चावल निकालने के लिए और दाल चावल क्योंकि लगाना है अभी और इसमें ना दाल में गोली डाल के रखें क्योंकि दाल इससे खराब नहीं होती है और मेरे मैं मतलब ना हमारे घर पे इस तरह से कटोरी से ही माप लिया जाता है क्योंकि हम हमें इसका अंदाज़ा फ़िक्स हो गया है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को मतलब कितनी कटोरी का चावल लगता है या कितनी कटोरी की दाल हमें लगानी है तो ये हमारा जो एक बोलते हैं ना माप स्टार्टिंग से वो फिक्स हो गया तो हमें पता होता है कि हमें रेगुलर कितना लगाना है या कम ज़्यादा हम लोग लोग होते हैं तो उसके हिसाब से कितना लगाना है तो ये कटोरी का माप एकदम परफेक्ट वाला माप है जिससे कि हम लोग दाल चावल लगाते हैं हमारे घर में सभी तो यहाँ पर ले लिया है चावल और दाल तो अभी सबसे पहले इसे करेंगे वॉश अच्छे से तो यहाँ पे लग गया है और लग गई मैं अपने काम में धीरे धीरे और काम भी चल रहे बातें भी चल रही है आई भी बैठी हुई है पीछे तो सब कुछ मतलब साथ में चल रहा है ऐसा नहीं है मुझे बोर हो रहा है और अक्सर जब भी मैं किचन में आती हूँ ना खाली होती तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरा एफ चालू कर देती हूँ जो स्टोरीज होती है ना वह मैं सुनती हूँ तो काम करते करते मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता सॉरी स्टोरी सुनते सुनते बिल्कुल पता नहीं चलता कि काम कब हो जाता है अब इवनिंग की जो चाय है हम लोगों ने नहीं ली थी तो आई मेरा मन हुआ चाय लेने का बाबा ने ब्लैक टी ले ली थी तो हमारा मन हुआ तो मैंने यहाँ पे आई और मेरी रख रख दी दूध की चाय तो बस यहाँ पे भी चाय बनाते हैं और शाम के टाइम ना जैसे सुबह का टाइम होता है वैसे शाम के टाइम भी ना सुकून से बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है मतलब चाय वाला जो टाइम होता है ना वो सुकून से बैठ के मतलब आराम वाला टाइम होता है कि नहीं यार अभी चाय पी रहे ना मतलब ये आराम वाला टाइम है तो बस यहाँ पे इसके बाद जो हरी मिर्ची डालनी थी मुझे सब्ज़ी में तो मैंने वो कट कर ली है चाय बन गई है आई को चाय दे दी मैंने भी मेरी चाय ले ली और हम लोग बैठ गए थे हमारी चाय पीने के लिए और बस चाय वाय पी और बहुत रिलैक्स लगता है चाय पी के बहुत अच्छा लगता है चाय पी के और ठंडी के दिनों में खास कर अब यहाँ पे आती है सब्ज़ी फ्राई करने की बारी तो सब्जी मेथी की बन रही है बहुत ही सिंपल सी है क्या क्या चाहिए <laughs> सब्जी में डालना ना नया यहाँ क्या हाँ बस पहले उतना खा ले कटोरी में ले उतना खा ले पहले जो मेथी की सब्जी होती है ना उसमें ज्यादा प्याज ज्यादा अच्छे लगते हैं मतलब Uh, क्योंकि मेथी की भाजी थोड़ी सी कड़वी होती है तो टमाटर भी ज़्यादा होना इसमें ऐसा है तो टमाटर डाल दिए प्याज भी मेरे घर में इसमें ज़्यादा ही होना और ज़्यादा कुक वाले प्याज नहीं खाते मतलब बहुत ज़्यादा पकाए हुए प्याज इसमें नहीं खाते मेरे घर में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना पत्ते वाली सब्ज़ियाँ तो उसी तरह से मेरे घर पर बनती है और मेरा हाथ इतना बुरा लग रहा है ना मुझे खुद ही देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ऐसा है ये हाथ और सब्जी इतनी सारी थी कि आ नहीं रही थी तो पहले एक बार डाल के इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया जब वो चीम गई मतलब हाँ तब उसके बाद जो है मैंने दूसरी सब्ज़ी डाली और उसे मिक्स किया है क्योंकि सब्जी का तो ऐसा ही है ये वाली लिफी जितनी वेजिटेबल्स होती है दिखने में काफ़ी ज़्यादा लगती है लेकिन होती बिल्कुल पकने के बाद थोड़ी सी है तो लास्टली इसमें नमक डाल दिया है नमक डाल के इसे पका लूँगी और बस यहाँ पे इसे और चलाना है मतलब सब मेथी की भाजी पकने ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन अगर उसमें ज़्यादा पानी रहा ना तो फिर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और यहाँ पे बाबा के लिए फीकी वाली सब्जी रख दी है इसके बाद बारी आती है रोटी डालने की तो बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं रोटी डालने के लिए और सारे ही मैंने फुलके बनाए हैं भाकर आज मैंने नहीं बनाई है हस्बैंड ने बोला था आज कि नहीं मैं नहीं खाने वाला हूँ आज शाम को तो मैंने जो है ना मतलब भाकर नहीं खाने वाला हूँ तो मैंने भाकर नहीं बनाई उनके लिए और सादे फुलके बनाए और बाबा के लिए जो है तेल की रोटियाँ बना दी है और बस यहाँ पे मैं और आई किचन में अकेले भी नहीं अच्छा लगता है किचन में तो आई भी अपने कुछ काम करती रहती है मतलब जब मैं वहाँ पे रहती हूँ तो आई अपने काम करती जा रही थी जो उन्हें काम थे उनके रखे हुए और बस यहाँ पे फुली फुली सी मेरी रोटी जो है ना वो तैयार है अब जैसे ही खाना बन गया था मैं चले गई थी ऊपर ऊपर का जो भी बाकी कुछ बचा हुआ था वो देखने के लिए तो पीहू यहाँ पे अपना जो है होमवर्क कर रही है उसे कुछ प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो बस यहाँ पे वही कर रही थी उसे पूछ रही थी मैं कि किस चीज़ का है तो कुछ क्राफ्ट का इस तरह से करके लाने बोला है टीचर ने मैथ्स में तो बस वही तैयारी वो कर रही है साथ ही अनाया को उसके पापा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इस तरह का जो है ना आज का हमारा व्लॉग है छोटा सा आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और थोड़ी देर बाद फिर मैं आधे एक घंटे बाद जो है ना नीचे चले गई थी खाना खाने के लिए तो यहाँ पर मैंने मेरा खाना ले लिया है तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में तब तक बाय बाय टेक केयर